राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर ईडी की टीम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। फिलहाल ईडी डोटासरा और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है।